हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं आज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की संरचना, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है उसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की संरचना, ये देखिए पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे जो ये होता है CH3OH, इसमें देखिए ऑक्सीजन है और कार्बन है, ठीक है ना। मेन क्या, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल अणु में ऑक्सीजन के, देखिए अल्कोहल के अणु में ऑक्सीजन के कितने कक्षक होते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसका देखिए विन्यास करिए, 8 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p, आपका कितना हो जाएगा, इसमें देखिए तीन बनते हैं ना, एक हो जाएगा 2p, पहले ऐसे करिए 1s2, 2s2, 2p4। अब देखिए p में कितने होते हैं कक्षक, p में तीन कक्षक होते हैं, यस में देखिए यही होता है, p में देखिए तीन कक्षक होता है इसका, ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक होता है px होता है, और py होता, और क्या होता है ये pz होता, और यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए 2x भी है, यहाँ पे आपका ये 2s है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपका इसका विन्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2, आपका हो जाएगा 2px2, और क्या हो जाएगा 2py1, और क्या हो जाएगा 2pz1, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ठीक है ना, ये आपका 2 है, ठीक है। 2p यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2px2 और 2py1 और 2pz1। अब देखिए इसके पास कितने हैं, यहाँ पे क्या है, चार संकरित क्या है आपके कक्षक, क्या है चार संकरित है। देखिए देखिए चार क्या है आपके यहाँ पे कक्षक, संकरित होकर चार sp3 कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यही देखिए जो आपके कक्षक हैं, यही क्या है आपके, देखिए इतने देखिए कक्षक संकरित होकर, कक्षक संकरित होकर, संकरित होकर, होकर चार चार sp3 क्या हो जाएगा, एक s है और तीन क्या है p के है, तो क्या हो जाएगा sp3 कक्षकों का निर्माण करते हैं, कक्षकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये देखिए किसका है, आपका क्या है, कक्षक संकरित होकर के, कक्षक संकरित होकर चार sp3 कक्षकों का निर्माण करते, तो ये सब कक्षक संकरित होकर के चार sp3 कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक s और p का देखिए कितना है, तीन है, तो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा आपका, sp3 संकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 संकरण। ठीक उसी प्रकार है कार्बन के भी क्या होते हैं कक्षक, चलिए देखिए इसको देखिए मिटा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए कार्बन के देखिए क्या होते हैं कक्षक संकरित होकर के, ठीक देखिए उसी प्रकार क्या है कार्बन के क्या रहते हैं, 6 नंबर है परमाणु क्रमांक, क्या हो जाएगा इसका विन्यास 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और 2p क्या हो जाएगा आपका, 2p आपके 2 है, लेकिन आप क्या देखते हैं इसमें उत्तेजित अवस्था देखते हैं इसका, तो यहाँ पे p में देखिए s में कितना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है, p में देखिए क्या है आपके 2 है, तो यहाँ पे 3 है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें जंप करता, तो ये आपका हो जाता, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा कक्षक का, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, पी में कितना हो जाएगा आपका, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 2s1 हो जाएगा, ये 2px1 हो जाएगा, और ये 2py1 हो जाएगा, और ये 2p आपका z1 हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बन का है, ठीक है, इसमें भी देखिए कार्बन के क्या हो रहे हैं, इतने कक्षक क्या हो रहे हैं संकरित होकर के sp3
कच्छक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ये जो कच्छक है, कच्छक संकरित हो करके, कच्छक संकरित होकर चार sp3 संकरित, sp3 संकरित, चार sp3 संकरित कच्छक कच्छक बनाते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, चार sp3 संकरित क्या करते हैं, कच्छक बनाते। तो यहाँ पे देखिए एक यस का है और तीन पी का, तो इसका क्या हो जाएगा संक्रमण, यहाँ पे sp3 हो जाएगा संकरण, sp3 ये हो जाएगा इसका संकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक यस है और पी का क्या है तीन है, तो ये sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का पढ़ लिए, अब देखिए ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण देखिए, यही इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसमें देखिए क्या होते हैं, ऑक्सीजन के चार कक्षक होते हैं, पहले मैं बता दे, देखिए ऑक्सीजन के क्या होते हैं, ऑक्सीजन के देखिए चार कक्षक है, जिसमें से दो क्या है, दो में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन दो क्या है आपके खाली हैं। तो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं उस कक्षक को क्या कहेंगे आप, ये देखिए ऑक्सीजन का मैं बता रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसमें देखिए ये 2s है और ये आपका 2px है, ये 2py है और ये 2p आपका ये z है, ये किसके का बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का। इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं दो कक्षकों को क्या कहा जाता है आपका, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहा जाता है एकाकी एकाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं आपके बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, किसी से आबंध नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना, ये केवल ये वाला आपका क्या करेगा, आप आबंध बनाएगा, और ये वाला जो आपका रहेगा कच्छक, ये वाला आबंध बनाएगा, ठीक है। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, इसी जो देखिए क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसका जो आपका क्या रहता है, कोण रहता है, इसका कोण रहता है, ये चतुष्फलीय संरचना के कोण से कम हो जाता, काहे कि इसमें क्या होते हैं दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है, जिसे आप जानते होंगे लोन पेयर का क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और आपका क्या होता है बॉन्ड पेयर का होता है, फिर सबसे कम क्या होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है। तो यहाँ पे देखिए दो क्या है आपके, क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इनमें क्या होगा लोन पेयर में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा, जिससे क्या हो जाएगा इसका जो कोण रहेगा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बता रहे हैं आप कैसे बनेगा ये, देखिए यहाँ पे आपका ये कार्बन हो गया, कार्बन परमाणु हो गया, ठीक है, ये देखिए कार्बन परमाणु आपके तीन हाइड्रोजन से क्या है जुड़े हैं, ये कार्बन परमाणु आपके तीन हाइड्रोजन से ये क्या हुआ है जुड़ा। अब देखिए ये वाला जो रहेगा आपका, ये आपका किससे जुड़ा रहेगा, ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये आपकी क्या है, ये ऑक्सीजन है, मान लीजिए ये देखिए ऑक्सीजन है, तो ये इससे ये जुड़ा हुआ रहेगा, और इसी पे देखिए यहाँ पे क्या रहेंगे इसके दो, इसके एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो रहेगा एक आपका, ये ऑक्सीजन से क्या रहेगा, हाइड्रोजन से ये आपका जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका CH3COOH रहता है ना, यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस साइड देखिए बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका कार्बन है, ठीक है, इस साइड भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और ये वाला बंद ये ऑक्सीजन से है, और यहाँ पे ये आपका क्या है हाइड्रोजन से जुड़ा है, और इस पे क्या है दो आपका क्या है एकाकी युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, यही देखिए बनाए हैं, ठीक है ना, यही देखिए है आपका। तो यहाँ पे ये कार्बन का है, अब देखिए कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ी, यस ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, ये भी क्या है हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन देखिए जुड़ गई, ठीक है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को बता दीजिए, डॉट से कह दीजिए ये आपका क्या है, या फिर कार्बन का, या फिर यक से कह दीजिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें भी देखिए क्या है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये क्या है डॉट है, ठीक है ना, और कार्बन का यक्स था, तो कार्बन का यक्स है, ऑक्सीजन का ये डॉट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये क्या है आपके दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यही देखिए क्या है दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या आपकी है हाइड्रोजन, ये क्या है जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या हो गया ये दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये समझ रहे हैं। ये देखिए कार्बन है और सभी में क्या है यस पी थ्री संकरण है, ये भी यस पी थ्री संकरण से, ये भी, और सभी सिग्मा आबंध से क्या हुए हैं ये जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं सिग्मा आबंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी देखिए ये दोनों क्या है आपके, ये क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्या है आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए यही क्या होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है दूरी हो जाती है, ठीक है, रिपल्सन हो जाता है, जिसके कारण ये वाला क्या होता है, ये वाला एंगल क्या हो जाता है झुक जाता है, ये जरा सा क्या हो जाएगा झुक जाएगा, इस साइड आ जाएगा, जिससे इसका क्या हो जाएगा कोण 108.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, जो कि चतुष्फलीय संरचना के आबंध कोण की अपेक्षा में थोड़ा सा कम हो जाता है, कहें क्यों होता है इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, दो इलेक्ट्रॉन युग्म में रहते तो ही कम हो जाता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है CH3 है, ये देखिए CH3 है, और ये आपका क्या है ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक ये क्या है हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन का तो sp3 से मिलकर के ये क्या है आपका sp3 मिल रहा है, और ये क्या है इसका यस से ये आबंध कर रहा है, और ये इस ये क्या है sp3 और ये sp3 से जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए यही दो आपके क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही क्या हो जा रहा है इनके जो क्या है आबंध संरचना चतुष्फलीय संरचना के आबंध कोण क्या हो जा रहे हैं कम हो जा रहे हैं, कितना देखिए यही हो जा रहे हैं 108.5 डिग्री हो जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना ये और ये, तो चलिए ठीक है इतना देखिए समझ गया ना ये कम काहे हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज यही लिख लीजिए, इसमें देखिए एकाकी, मैं इतना बता दे रहा हूँ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण चतुष्फलकीय ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय ऑक्सीजन परमाणु का आबंध कोण का आबंध कोण का आबंध कोण सामान्यतः चतुष्फलकीय सामान्यतः चतुष्फलकीय संरचना के आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट
109 डिग्री 28 मिनट की अपेक्षा में की अपेक्षा में कितना हो जाता है 108 कितना होता है 108.5 डिग्री अपेक्षा में कम हो जाता है अपेक्षा क्या होता है एक्स की अपेक्षा कम हो जाता है हाँ देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं था यही था आपका इसमें देखिए क्या क्यों इसका क्या होता है चतुष्फलकीय जो आपका क्या होता है कोण समानता क्या होता है संरचना के आबंध कोण जो संरचना का ये जो आबंध कोण है ये क्या होता है आपका चतुष्फलकीय आबंध कोण से क्या हो जाता है कम होता है चतुष्फलकीय क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट ये क्या होता है आपका चतुष्फलकीय का कोण होता है लेकिन क्या होता है इसमें ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के कारण क्या होता है इनमें क्या होता है दूरियां हो जाती है इसमें दूरी होती है जिससे ये वाला जो होता है थोड़ा सा इस साइड खिसक जाता है जिससे इनका जो कोण होता है तो कम हो जाता है ओके ये समझ में आया ओके ओके थैंक यू।